हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करेंगे जिसमें आप काम करके 5 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, CSE में अब PMKVAI का टारगेट CSE को मिल चुका है, जिसके जरिए आप CSE में PMKVAI का काम शुरू करके 5 लाख रुपये तक का इनकम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आपको CSE में किन बच्चों का एडमिशन करना है और कैसे आपको इनकम होगी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे DGmail में। तो आप देखेंगे कि आपको 10 नवंबर को एक CSE की तरफ से न्यूज़ लेटर आया होगा। वो न्यूज़ लेटर आपको खोल लेना है और आपको सबसे पहले न्यूज़ दिखाई देगी। हाइलाइट्स में CSE लोन्स, GST और उसके नीचे स्किलिंग ऑफ दिव्यांग्स। तो हम मोर पर क्लिक कर लेंगे। आप इनसे स्क्रोल डाउन करके देखोगे तो आपको स्किलिंग ऑफ दिव्यांग्स दिखेगा। तो आप पहले इसमें हिंदी में पढ़ने के लिए हिंदी में कर लेंगे कन्वर्ट। तो आप देखेंगे इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि CSE कौशल केंद्रों के माध्यम से दिव्यांग उम्मीदवारों की स्किलिंग। अब CSE में PMKVAI में PWD के जो छात्र हैं उनका एडमिशन करने के लिए CSE को टारगेट मिल गया है। उनको शिक्षित करने के लिए CSE को PMKVAI से टारगेट मिल गया है। इसमें पूरा बताया गया है कि पायलट परियोजना के सफल निष्पादन के बाद एक बार फिर से CSE को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग से स्किलिंग जनादेश मिला है। BLD अधिक सर्वेक्षण करें ताकि लक्ष्य उन्हें आवंटित किया जा सके। BLD को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बैच में 30 उम्मीदवार होंगे, यानी कि एक बैच में 30 बच्चों को आप पढ़ा सकेंगे और दिन में आप 2 या 3 बैच लगा सकते हैं, जिसमें लगभग आप 60 बच्चों को एक दिन में 60 या 90 बच्चों को एक दिन में आप पढ़ा सकते हो। पात्रता मानदंड के अनुसार लक्ष्य आवंटन कड़ाई से किया जाएगा। CSE और MOJEE द्वारा PWD के सशक्तिकरण की दिशा में एक उद्देश्य के साथ भारत में PWD के भविष्य को आकार देने की ये स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियों का निर्माण करने की दिशा में एक अनूठी पहल की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य के तहत प्रशिक्षण साथी के रूप में CSE SPV दिव्यांग अथपेटिक के रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निम्नलिखित 5 तरह की नौकरी की भूमिका है। इसमें हमें बताया गया है कि PMKVAI में जो PWD के छात्रों के हमें एडमिशन करने थे उसका अब CSE को टारगेट मिल गया है। बहुत जल्दी ही आप सेंटरों तक CSE अब हमें टारगेट देने वाली है। आप जल्द से जल्द अपने एरिया में सर्वेक्षण करें, यानी कि जल्दी से जल्दी अपने एरिया में जितने भी दिव्यांग छात्र हैं, जितने भी हैंडीकैप्ड हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का आप अपने सेंटर में सर्वे करें और उनका एडमिशन करें। और जब भी आपको एडमिशन मिले, टारगेट मिले, आप उनको ट्रेनिंग दे सकें। जल्दी ही आपको ये टारगेट मिलने वाला है। इसमें बताया भी गया है कि इसमें 5 तरह की टारगेट मिलेंगे आपको। घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर, घरेलू बायोमेट्रिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, CRM घरेलू गैर बायर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, खुदरा प्रक्सी अर्थी एसोसिएट। इसमें आपको 5 तरह के नौकरी की भूमिका बताई गई है कि आपको 5 तरह के कोर्स मिलेंगे PWD में, जिनमें आपको छात्रों को ट्रेनिंग देनी है और उन्हें कौशल विकास में ट्रेन करना है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने एरिया में जितने भी हैंडीकैप्ड हैं उन सभी का एडमिशन करें, सर्वे करें और आप 5 लाख तक से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट के मगर 10 से 12 हज़ार रुपये मिलता है इस सर्विस में। और आपको जो अगर
30 बच्चे भी कर लेते हैं आप एक सेंटर में, तो आप हिसाब ला लीजिए कि आपको कितने रुपये मिल जाएंगे। 3 लाख रुपया तो आपको सीधम सीधा ही मिल जाएगा अगर आप एक बैच के स्टूडेंट्स भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप 40-50 बच्चे भी अपने इस सेंटर पर एडमिशन कर लेंगे तो आप 5-6 लाख रुपया आसानी से कमा सकेंगे, जो कि बहुत अच्छा कमीशन है और बहुत अच्छी सर्विस है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी अपने एरिया में हैंडीकैप्ड बच्चों को ढूंढें और उनका सर्वे करें और उनका एडमिशन अपने सेंटर पर करें इन 5 कोर्सेस में, और जल्दी से जल्दी आपको टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि CSE में PMKVAI का टारगेट देने वाली है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।